अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सर बुक्टी। तो आप देख रहे हैं फ्लट ट्राइव डेवलपर चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फूड ऐप विद एडमिन पैनल का पार्ट 12 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 12 में हम सर्च पेज बनाएंगे, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है वीएस कोड पे, स्क्रीन फोल्डर पे। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं सर्च का, इसके बाद एक फाइल बनाते हैं सर्च डॉट डॉट। और दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्टेटलेस विजेट यूज़ करना है, क्योंकि हमें स्टेटलेस विजेट इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ना तो बैकएंड पे काम करें, ना तो कोई डेटा हमारा चेंज हो जाएगा, ना तो सेट स्टेट लगेगा, इसीलिए हम। और यहाँ पे स्केफोल्ड एबार और टाइटल टेक्स्ट इस तरीके से, और यहाँ पे लिखे हैं सर्च। और दोस्तों इसको आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद दोस्तों होम पे आ जाएं। जैसा कि मैं आउटपुट आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो आपको सर्च नज़र आ रहा है, जाके इसको क्लिक कर लें तो इसका पेज ओपन हो जाए। तो ये हमारे ऐप बार में है, होम पेज के ऐप बार में ये वाला है। अभी आपको सिंपली इसको जो आइकॉन है इसको बटन कर देना है, और यहाँ पे ऑन पहले इस तरीके से कर लें, फिर सजेशन आ जाएगा। इस तरीके से ऑन प्रेस कर लें, और ऑन प्रेस के बाद आइकॉन इस तरीके से करें, आइकॉन इसको हटा लें और यहाँ पे आके लगा लें। ठीक है दोस्तों, अभी ये हो चुका है दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नेविगेशन नेविगेटर डॉट ऑफ डॉट पुश मटेरियल पेज कंट्रोल स्पेस। अभी मटेरियल को थोड़ा आपको बड़ा कर देना क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, पेज को भी आपको बड़ा कर देना है। और यहाँ पे राउट और राउट तो कॉन्टेक्स्ट इक्वल असाइन है सर्च, जो हम उस पेज पे वर्क कर रहे हैं इस तरीके से फंक्शन की तरह कॉल कर दें दोस्तों, इस जैसा कि इस तरीके से। तो ये रहा, ठीक है। अभी हमने जो नेविगेशन लगाया है दोस्तों, अभी इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो अभी ये आ चुका है दोस्तों हमारा सर्च पेज पे। अभी आपको क्या करना है, सिंपली एक एक्शन पे आइकॉन लेना है, एक्शन आइकॉन आइकॉन्स डॉट एनियो, ठीक है। अभी ये वाला आइकॉन लेना है आपको। अगर आप सोच रहे हो कि ये ड्रावर है, असल में ये ड्रावर नहीं है, असल में ये ड्रावर नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल आइकॉन है। लेकिन इसको इसके जो अगली वीडियो है इंशाल्लाह हम उसी के ऊपर बनाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन को छोड़ देना है और ऐप बार को टोटली, और यहाँ पर बॉडी लेना है। बॉडी के बाद आपको लिस्ट व्यू का भी चिल्ड्रन होता है दोस्तों, और चिल्ड्रन के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिस्ट टाइल लेना है, लिस्ट टाइल, और लिस्ट टाइल का जो टाइटल है यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है आइटम्स, ठीक है दोस्तों। अभी ये हो चुका, अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक कंटेनर लेना है, और कंटेनर का हाइट दे दें 52, और इसका जो चाल्ड है यहाँ पे एक ले लें टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड का जो डेकोरेशन है, और जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो इनपुट डेकोरेशन खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे इस तरीके से कर लें। तो अभी ये जो बाउंड्री है आउट लाइन इनपुट बॉर्डर बाउंड्री रेडियस डॉट सर्कल 30, और बाउंड्री साइड डॉट नाउ। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, साइड नाउ, और यहाँ पे आपको एक मार्जिन देना है डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टली 20, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली रेडियस भी दे चुके हैं हम, अभी बाउंड्री के नीचे आ जाना है। इसका हमें कलर देना है, फिल कलर 0xFF, और
ट्रिपल एक्स नहीं, डबल एक्स डबल एफ और सी टू सी टू सी टू। ठीक है दोस्तों, अभी ये भी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, ये कलर नहीं आएगा जब तक आप फील्ड को ट्रू नहीं करोगे। तो अभी ये आप, मैं जब सेव कर दूंगा तो अभी ये कलर भी आ जाएगा। और हिट टेक्स्ट लिखते हैं इसका, सर्च फॉर आइटम्स इन दी स्टोर। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, सिंपल सल्फेक्स आइकॉन, जैसा कि मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर राइट साइड एक आइकॉन चाहिए तो सल्फेक्स आइकॉन होता है वो वाला, आप सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, डोंट सर्च। ठीक है दोस्तों, अभी ये भी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसको रहने दीजिए। और रहने के बाद आपको सिंपली ये वाला जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, यानी कि पेंडिंग जो हमने दिया था, ये वाला टेक्स्ट फील्ड के नीचे आ जाएँ, यहाँ पर एक दे दें साइज बॉक्स और हाइट, यहाँ पे हाइट दे दें 5 या फिर 10। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये तो काम हो चुका है। अभी हमें एक दोबारा सा एक विजेट लेना है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है, उसका नाम होगा सर्च आइटम डॉट डॉट। सर्च आइटम कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्च स्क्रीन में ही कॉल हो जाएगा। तो इसको इनपुट करते हैं और ये भी स्टेट लेस होगा, क्योंकि ये स्टेट लेस इसीलिए होगा क्योंकि इस पे ये तो खाली विजेट है, हमने तो पेज पे भी स्टेट लेस किया था सर्च आइटम। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे हम स्केफॉल्ट इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये एक विजेट है और ये पेज नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली और सिंपल डायरेक्टली रॉ लिख देते हैं दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है, रॉ के अंदर एक एक्सपांडेड लेना है, एक्सपांडेड का चार्ट कंटेनर, ठीक है कंटेनर। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, इसका हाइट हो जाएगा 100। अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको एक्सपांडेड नज़र आ रहा है इसको 3 बार हमें कॉल कर देना है, एक बार तो कॉल हो चुका है, अभी हमें 2 बार दोबारा कॉल कर देना है सिंपली इस तरीके से। अभी दोस्तों ये भी हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ इसका जो हाइट है यहाँ पे चाल लेना है और चाल में इधर सेंटर, सेंटर में चाल और इमेज डॉट नेटवर्क, इस तरीके से दोस्तों। अभी ये भी हो चुका है, अभी दूसरे वे एक्सपेंडेड पे आते हैं। दूसरे एक्सपेंडेड में क्या करना है, आपको चाल में एक कॉलम लेना है और कॉलम के अंदर दोबारा कॉलम, और इसके बाद आपको मेन एक्सेस डॉट अराउंड कर देना है और क्रॉस एक्सेस स्टार्ट कर देना है दोस्तों। स्टार्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, सिंपली स्टार्ट किया है, अभी दूसरे कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट का नाम होगा प्रोडक्ट नेम, अभी आपको ये वाला दोस्तों सिंपली आके जो हमने हाइट दिया था यहाँ पे आके कॉल कर देना है ताकि आप लोगों को दिखाई दे दें कि आखिर हो क्या रहा है। अभी चेक कर लें कि क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा, शायद सही वर्क करेगा इंशाल्लाह। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे इसका जो स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल कलर, टेक्स्ट कलर, और उसको थोड़ा सा बाउंड भी कर देना है, ठीक है बाउंड। अभी इस टेक्स्ट को सिंपली कॉपी कर लें और यहाँ पे आके लगा लें, सॉरी इसको पूरा कॉपी कर लें और यहाँ इस तरीके से करके फिर दोबारा कर लें और इसको भी इस तरीके से कर लें दोस्तों। यहाँ पे जो आता है प्रोडक्ट नेम, अभी हमें क्या करना है, 50 इस तरीके से डॉलर का निशान, और डॉलर निशान के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से 50 ग्राम लिखना है, और इसका जो फॉन्ट यानी बॉन्ड है इसको हटा देना है, और इसके बाद जो इसका कलर है इसको ग्रे कर देना है। हाँ दोस्तों, ये भी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है इसके नीचे आपको एक कंटेनर लेना है, कंटेनर लेना है, और कंटेनर के बाद इसका जो मार्जिन है, मार्जिन देना है ओनली और राइट साइड 15, और जो इसका पेंडिंग है
और इसका जो पेंडिंग है पेंडिंग दे देते हैं स्माइल ट्रैक हॉरिजॉन्टली 10। और दोस्तों इसका जो चाल्ड है मिसाल के तौर पर हाइट है 35 दे देते हैं, और इसका जो डेकोरेशन या डेकोरेशन जो हमने ऊपर लिखा था मेरे ख्याल में, नहीं सॉरी, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन और यहाँ पे बाउंड्री है सिंपल बाउंड्री इसका इस तरीके से हो जाएगा, डॉट ऑल कर दें। इसके बाद जो कलर है कलर्स डॉट ग्रे कर दें, डॉट ग्रे कर दें दोस्तों, ये भी हो चुका है। अभी आपका क्या करना है, सिंपली बाउंड्री रेडियस भी है इस तरीके से डॉट सर्कल यहाँ पे 30 कर दें। और इसके बाद आपको क्या करना है, और इसका जो चाल्ड हो जाएगा यहाँ पे एक रॉ लेना है, और रॉ के बाद दोस्तों सिंपली रॉ के बाद एक एक्सपांडेड और दोस्तों एक्सपांडेड के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये एक चाल्ड हो जाएगा। चाल्ड में जो हमने जो ऊपर एक टेक्स्ट लिखा था इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए, और इसको इस तरीके से कर लें दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये दोनों हटाना है और 50 ग्राम रहने दीजिए, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है सिंपली 14 करना है, और फॉन्ट साइज़ के बाद आपको क्या करना है सिंपली दोस्तों, अभी इसका जो कलर है वो ग्रे सही है। और इसके बाद यहाँ पे एक आइकॉन दे देते हैं मिसाल के तौर पर सेंटर करके, सेंटर के बाद आइकॉन डॉट एरो ड्रॉप डाउन, ठीक है ये वाला आइकॉन है दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो साइज़ है वो हम 20 कर देते हैं, और इसका जो कलर है प्राइमरी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी ये भी हो चुका है आपका, और इसके बाद आपको क्या करना है सिंपली तीसरे वाले एक्सपेंडेड पे आ जाना चाहिए, और ये वाला जो अमेज हमने रह गया था अमेज, अभी आपको अमेज भी डाल देना है। जैसा कि हमारे होम पेज पर कुछ अमेज थे मिसाल के तौर पर नंबर 1 वाला जो अमेज है, हम इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं और इसको एग्जस्ट कर देते हैं, और आइटम पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है हो गया जी। अभी इंशाल्लाह ये अमेज भी आ जाएगा और हम तीसरे वाले पे वर्क करेंगे, तीसरे एक्सपेंडेड पे दोस्तों। और इस तीसरे एक्सपेंडेड में आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली, तीसरे एक्सपेंडेड में एक कंटेनर लेना है, और कंटेनर के जो पेंडिंग है पेंडिंग दे दें स्माइल ट्रैक हॉरिजॉन्टली 15 और वर्टिकली 32, और इसका जो चाल्ड हो जाएगा फिर से एक कंटेनर, इसका हाइट 25 और इसका वेट 50। सिंपल दोस्तों, अभी डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन वगैरह हैं इसको यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आके हमने जो है ना पेस्ट कर दिया है, अभी ग्रे करना है और इसको भी 30 करना है, सेम टू सेम चीज़ है। अभी इसके जो चाल्ड में है यहाँ पे हमें एक सेंटर लेना है, और सेंटर के चिल्ड्रन चाल्ड होता है, चाल्ड के बाद दोस्तों एक रॉ लेना है, और रॉ को भी मैन एक्सेस डॉट सेंटर कर देते हैं, मैन एक्सेस सेंटर करने के बाद दोस्तों आइकॉन लेना है आपको, आइकॉन्स डॉट ऐड, और इसका जो कलर होगा प्रीमियर कलर, और अभी इसका जो होगा साइज़ कर देते हैं 20, और इसका जो टेक्स्ट है वो हम ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ से हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी जो 50 ग्राम है इसको आप ऐड कर दीजिए, और इसका सिंपली ये वाला हटा दें और यहाँ पे कर दें प्राइमरी कलर, ठीक है दोस्तों। अभी ये जो हमारा सर्च आइटम है ये टोटली हो चुका है। अभी इसको हमें क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ पे आके पेंडिंग ए यहाँ पे पेंडिंग और स्माइल ट्रैक और थोड़ा सा यानी कि 5 कर देना है हाई हॉरिजॉन्टली 5 या कर दें या फिर 10 कर दें, ठीक है दोस्तों। अभी ये भी हो चुका है, अभी हमने जो सर्च आइटम है हमारा
ये हो चुका है, अभी हम इसको एग्जैक्ट कर देते हैं। एग्जैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सर्च पे आना चाहिए। इसको आपको मिसाल के तौर पर मैं 5 बार कॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रही आज का वीडियो फूड एप विद आयरन पैनल का पार्ट 12। और दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हो जाएगा इसको हम जो है ना पैरामीटर पास करेंगे, इसका अलग इमेज, इसका अलग नेम हो जाएगा। और ये आपको ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है ये पता है इसमें क्या है, इसमें लो टू हाई वाला प्राइस है, वो वाला यहाँ पे नीचे बॉटम शीट ओपन हो जाएगा। तो वो कुछ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे यार नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब तक मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता आ रहे। और मेरे वीडियो को सबको लाइक करें और यार कमेंट मारें तो आपका बहुत बड़ा शुक्रिया हो जाएगा। थैंक यू ब्रो।